प्रत्यक्ष कर मान्य अध्यक्ष महोदय मैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम बहत्तर लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष साढ़े छह करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष तेरह चौदह में तिरानवे दिवस से घटाकर अब सोलह दिवस कर दिया गया है और पैतालीस प्रतिशत रिटर्न चौबीस घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं एमएसएमई और पेशेवर एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के इंजन है दो करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और पचास लाख रुपए तक के टर्न वाले कुछ पेशेवर प्रकल्पित काराधान का लाभ उठा सकते हैं मैं इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः तीन करोड़ रुपए और पचहत्तर लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी नकदी प्राप्तियां पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है जिनकी पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है इसके अलावा एमएसएमई को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए मैं उन पर व्यय खर्चों के लिए कटौती को भी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूँ जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो। सहकारिता सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृत काल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं प्रथमतः दिनांक 31 तीन दो हजार चौबीस तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नए सहकारी समितियों को पंद्रह प्रतिशत की कम कॉरपोरेट दर कर का लाभ मिलेगा जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है द्वितीयतः मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से संभावित राहत दस हजार करोड़ रुपए की होगी तृतीयता मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु दो लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूं इसे दोहराती हूं मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को प्राइव कर देगा क्रिमिनल माइंड मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को कंफ्रोंट करता था बदलता था टारगेट भी बहुत पावरफुल करता है ये एक ही चीज से रुक सकता है। अगर आप इसकी न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज एटीन इंडिया की वेब सीरीज एफ आई आर नंबर दो सौ आठ स्ट्रीमिंग फर्थ फेब्रवरी नाइन पी